अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन की कॉजेज क्या हैं और डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन का इलाज हम खुद कैसे कर सकते हैं, जब हमारे कंट्रोल में हो कि हम खुद को इस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम खुद को बाहर निकाल नहीं पाते, तब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब डिप्रेशन का मेडिकली किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिले। तो पहले ये कि डिप्रेशन के इलाज कैसे मुमकिन है। डिप्रेशन का इलाज दो तरीकों से किया जाता है, एक साइकोथेरेपी के जरिए और दूसरा एंटी डिप्रेसेंट के जरिए, एक मेडिसिन के जरिए और दूसरा बातों के जरिए इलाज किया जाता है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि मेडिसिन का तो ठीक है, लेकिन बातों के जरिए इलाज कैसे मुमकिन है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि साइकोथेरेपी के जरिए इलाज किस तरह से मुमकिन है। साइकोथेरेपी में होता क्या है, इंसान जब अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता, जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे अपनी वो फीलिंग्स शेयर कर सके, जिसे अपनी वो उदासी का रीज़न बता सके, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाता है। मेरे नफ्सियात क्या करते हैं, उस शख्स की बात सुनता है, उसको टाइम देता है और वो उस कंडीशन से बाहर निकालने में मदद करता है। साइकोलॉजिस्ट के पास हर वीक जाना पड़ता है सिर्फ एक घंटे के लिए, और इसका ड्यूरेशन 5 वीक्स से लेकर 30 वीक्स तक का हो सकता है। साइकोथेरेपी एक स्लो ट्रीटमेंट है, लेकिन ये है कि अगर इंसान इस पर प्रॉपर अमल करे तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट किस तरह से वर्क करती है। एंटी डिप्रेसेंट हमारे केमिकल्स को बैलेंस करती है, उदासी को कम करती है और ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आती है, और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत में बेहतरी लाती है। याद रखें कि मेडिसिन का फ़ायदा शुरू में बहुत कम होता है। एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करने के बाद 1 या 2 हफ्ते में ऐसा लगता है कि अभी कोई भी रिकवरी नहीं हो रही, लेकिन इसमें फ़र्क 2 से 3 हफ्ते बाद आना शुरू होता है। सो अब देखना है कि एंटी डिप्रेसेंट किस तरह से काम करती है। हमारे माइंड में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल्स देते हैं, और ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन में 2 खास केमिकल्स की कमी हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन इन केमिकल्स की मकदार को दिमाग में बढ़ाने में मददगार साबित होती है, और जब ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं यानी बैलेंस हो जाते हैं, तो इंसान अपनी डेली लाइफ की तरफ वापस आ जाता है और इंसान के अंदर डिप्रेशन जैसी बीमारी का खात्मा हो जाता है। अगर आप इलाज नहीं करवाते तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब इंसान डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है और इसमें कमी नहीं आती, तो डिप्रेशन का इलाज ना करवाने की सूरत में आप अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी। इसलिए जब आपको लगे कि आप किसी भी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो गए हैं या किसी भी जिस्मानी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो इसका फ़ौरन से इलाज करवाएं। इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से लाजमी विजिट करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।